स्टोरी की शुरुआत होती है और स्टोरी लाइनर हमें बताता है कि लेजेंड्स का कहना है कि जब डार्कनेस की डेथ से जब इविल डिवाइन इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए अवेक हुए तब गॉडेस ऑफ फेट ने इस वर्ल्ड को बचाने के लिए 6 हीरोज को चूज किया और इन हीरोज को अपनी पावर्स देके हमेशा हमेशा के लिए डीमंस और बुराई के खिलाफ खड़ा कर दिया। समय बीतने के साथ साथ ये पावर्स अपने आप ही गॉडेस ऑफ फेट की इच्छा अनुसार अपने आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाती है और ये पावर सिर्फ 6 लोगों को ही मिल सकती है। इसीलिए एंशिएंट टाइम से लेकर आज तक इन हीरोज को ब्रेव ऑफ 6 फ्लावर कहा जाता है, जिस पर अब हम एक साम्राज्य को देखते हैं जिसका नाम पियाना साम्राज्य था और इस साम्राज्य का मार्केट किसी भी चीज की ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ही फेमस था। इसीलिए बहुत ही दूर दूर से लोग यहाँ पे चीजों को खरीदने और बेचने के लिए आ रहे थे, जिस पर तभी साम्राज्य के किंग के पैलेस से अटेंशन के लिए एक तोप को दागा जाता है। तब इस तोप की आवाज सुन के सारे लोग भी अब किंग पैलेस की ओर देखने लगते हैं, जिस पर अब इस पैलेस के पैटी से आगे आते हुए कहते हैं कि पियाना के लोगों, आज का ये टूर्नामेंट हमारे 2 महान कप्तानों के बीच होने वाली है, जिनमें से एक ईस्ट रॉयल गार्ड के कप्तान है तो दूसरे वेस्ट रॉयल गार्ड के कप्तान है। इसीलिए अब मैं हमारे पियाना साम्राज्य की प्रिंसेस से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो इस टूर्नामेंट को शुरू करने की आज्ञा दे, ताकि गॉडेस ऑफ फेट के स्टैचू के सामने ये फाइट बिल्कुल फेयर तरीके से खत्म हो और शायद इस बार गॉडेस ऑफ फेट की कृपा से वो इन दोनों में से किसी एक को ब्रेव ऑफ 6 फ्लावर के लिए सिलेक्ट कर ले, ताकि हमारा पियाना साम्राज्य पूरी तरीके से सेफ हो जाए। तब ये प्रिंसेस, जिसका नाम प्रिंसेस निजातानिया है, ये इस टूर्नामेंट को शुरू करने का ऑर्डर दे देती है। मगर तभी यहाँ पे एक लड़का आते हुए कहता है कि मुझे भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना है, जिस पर ये दोनों कैप्टन इसे पूछते हैं कि आखिर तुम हो कौन। तब ये लड़का कहता है कि मेरा नाम एडलर्ड मेयर है और मैं इस पूरे वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हूँ, जिसे सुनकर अब इस पूरे एरिना में अजीब सी शांति छा जाती है। तब मेयर कहता है कि मैं यहाँ पे तुम दोनों से फाइट करने आया हूँ, इसलिए चलो बिना किसी देरी के इस टूर्नामेंट को शुरू करते हैं, मैं तुम दोनों से 2v1 भी फाइट कर सकता हूँ। जिस पर अब वेस्ट कैप्टन अपनी सेना को ये ऑर्डर देता है कि इस पागल लड़के को इस एरिना से बाहर निकालो। तब रॉयल पैलेस से सैनिक यस कैप्टन कहते हुए मेयर को चारों ओर से अब घेरने लगते हैं, जिसे देखकर मेयर कहता है कि फाइनली ये बैटल शुरू हुआ। और ये कहकर मेयर बहुत ही फास्टली अपने हिडन वेपन से यहाँ पे मौजूद सारे सैनिकों को बस कुछ ही पलों में ढेर कर देता है, जिसे देखकर यहाँ पे मौजूद सारे लोग बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। तब ईस्ट कैप्टन और वेस्ट कैप्टन अब बहुत ही गुस्से में खुद ही मेयर को सबक सिखाने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगते हैं, जिस पर मेयर कहता है कि वेल मैं भी तो यही चाह रहा था। और अब ये दोनों कैप्टन भी एक साथ मेयर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, मगर मेयर की फाइटिंग स्किल इतनी अच्छी थी कि वो बहुत आसानी से इन दोनों के अटैकों को डॉच कर रहा था। और अब पीछे की ओर जाते हुए मेयर किसी टाइप की लिक्विड को इस कैप्टन के ऊपर गिरा देता है, इसके साथ ही अपने शॉट को भी निकाल लेता है। तब ये देखकर ईस्ट कैप्टन अब बहुत ही गुस्से में कहता है कि आज किसी भी हालत में यहाँ से जिंदा बच के जाने न पाए, जिस पर वेस्ट कैप्टन मेयर की ओर देखते हुए कहता है कि रुको वो क्या है। तब इधर हम देखते हैं कि मेयर अब अपनी बॉडी में लिपटे हुए बहुत सारे स्मोक ग्रेनेड्स को बाहर निकालता है और इसे लहराते हुए कहता है कि चलो अब इस बैटल को खत्म करते हैं। तब ये देखकर अब प्रिंसेस भी बहुत ही गौर से मेयर को देखने लगती है, जिस पर अब मेयर इन सारे ग्रेनेड्स को यहाँ पे फैला देता है। तब इन स्मोक ग्रेनेड की वजह से यहाँ पे चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है, जिस पर ये कैप्टन अब इस धुएं के अंदर आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि जरा संभल के, इस लड़के के पास हिडन वेपन की कमी बिल्कुल भी नहीं है। तब मेयर इस स्मोक का फायदा उठाते हुए सीधे ईस्ट कैप्टन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, मगर ईस्ट कैप्टन मेयर की इस अटैक को भांप लेते हैं और फिर मेयर के अटैक को डॉच करते हुए कहते हैं कि बच्चे हमसे जीत पाना इतना भी आसान नहीं है। तब मेयर बहुत स्मूथली फ्लो करते हुए कहता है कि क्या सच में, और इतना कहकर मेयर ईस्ट कैप्टन के सर को पकड़ते हुए अपने दांतों में मौजूद फ्लिंट से पूरी तरीके से झुलसा देता है, क्योंकि मेयर ने पहले इसके ऊपर जिस लिक्विड को डाला था वो कोई नॉर्मल लिक्विड नहीं बल्कि मिट्टी का तेल था, जिस पर अब ईस्ट कैप्टन के कमजोर पड़ते ही मेयर से सीधे उठा के एक धोबी पछाड़ दे देता है। तब ये कैप्टन अब इस अटैक की वजह से उठ भी नहीं पाता है, जिस पर अब मेयर अपने शॉट को आगे उठाता है और फिर इस वेस्ट कैप्टन की ओर देखते हुए कहता है कि मुझे मालूम है कि ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल है, इसीलिए किसी भी फाइट में जाने से पहले एक अच्छा सा सू पहन लेना। और ये कहकर मेयर अपने शॉट में मौजूद बाकी के किलो को भी बाहर कर देता है। तब ये देखकर यहाँ पे मौजूद लोगों के मुंह से कुछ बोला भी नहीं जा रहा था, क्योंकि अभी अभी एक लड़के ने रॉयल गार्ड के साथ साथ उसके कैप्टनों को भी डिफीट कर दिया, जिस पर अब मेयर गॉडेस ऑफ फेट के स्टैचू के सामने खड़े होते हुए कहता है कि गॉडेस ऑफ फेट, आपने देखा मैं इस पूरे वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हूँ, अगर अब आपने मुझे ब्रेव ऑफ 6 फ्लावर के लिए चूज नहीं किया तो फिर ये आपकी आज तक की सबसे बड़ी भूल होगी। तब मेयर कहता कहते कहते एक सैनिक उसे दबोच लेता है, जिस पर अब पैटिस भी कहते हैं कि इस पागल लड़के को अरेस्ट कर लो। तब बाकी के रॉयल गार्ड्स भी जाके मेयर को घेर लेते हैं और अब सीन चेंज होता है और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मेयर का अच्छी तरीके से खातिरदारी करके उसे प्रिजन में डाल दिया जाता है। और यहाँ पे पैटिस मेयर से कहते हैं कि आज जो तुमने किया है उसके लिए तुम्हें यहाँ पे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, क्योंकि तुमने आज एक रॉयल टूर्नामेंट को इंटरप्ट किया है। और ये कहकर ये सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन मेयर को इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो आराम से वासा लेते हुए सोने लगता है, जिस पर अब तभी यहाँ पे प्रिंसेस की एक मेड आती है जो मेयर से कहती है कि मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ ही लिया। तब मेयर पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर ये मेड कहती है कि मैंने तुम्हें एरिना में फाइट करते हुए देखा और तभी से मैं तुम्हारी फैन हो गई हूँ, इसीलिए क्या मैं तुम्हारे साथ एक बार हैंडशेक कर सकती हूँ। तब मेयर भी नो प्रॉब्लम कहते हुए इस लड़की के साथ हाथ मिलाता है, जिस पर अब ये लड़की कहती है कि मेरे ख्याल से तुम लड़कियों के मामले में उतने कम्फर्ट नहीं हो। तब मेयर कहता है कि मैं इस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हूँ, इसीलिए बस एक लड़की से हाथ मिलाना ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिस पर ये मेड कहती है कि तुम्हें झूठ बोलना बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि तुम्हारा फेस पूरी तरीके से लाल हो चुका है। और फिर ये लड़की अब मेयर के सामने ही बैठती हुई कहती है कि
पूछती है, क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ और बता सकते हो? तुम्हारे बारे में जानने के लिए मैं वाकई में बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तब मेयर अब अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मेरा नाम एडलर्ड मेयर है, मेरी एज 18 है और मैं व्हाइट लेक नेशन का रहने वाला हूँ। मेरे मास्टर का नाम जी होंग है और मैंने 10 साल की उम्र में ही अपने घर को छोड़ दिया था ताकि मास्टर के साथ ही रहकर इस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बन सकूं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बस माउंटेन में ट्रेनिंग करते हुए बिताया है ताकि एक दिन मैं अपने हाथों से डीमन गॉड को डिफीट कर सकूं और यही मेरी लाइफ का एम है। जिस पर अब ये लड़की मेयर को एप्रिशिएट करते हुए कहती कि वाकई में तुम्हारी कहानी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और फिर ये लड़की पूछती है कि आखिर तुम खुद को इस वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन क्यों कहते हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इस वर्ल्ड में तुम्हारी जितना स्ट्रॉन्ग और कोई भी नहीं है? तब मेयर कहता है कि ऑफकोर्स मैं ये जानता हूँ कि इस वर्ल्ड में मुझसे भी पावरफुल पर्सन एग्जिस्ट करते होंगे, लेकिन मुझे खुद भी यकीन है कि मैं उन सबको भी डिफीट कर सकता हूँ और ये बात गॉडेस ऑफ फेट को भी पता है। जिस पर ये लड़की कहती है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो अलग ही लेवल पे है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि गॉडेस ऑफ फेट तुम्हें 6 ब्रेम में से एक चूज करेगी? तब मेयर बैठते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि गॉडेस ऑफ फेट के सामने एक ना एक दिन मैं अपनी काबिलियत साबित करके रहूंगा, क्योंकि वर्ल्ड को बचाने के लिए गॉडेस ऑफ फेट को भी वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन को तो चूज करना ही पड़ेगा। जिस पर अभी लड़की पूछती है कि आखिर तुम ब्रेव ऑफ 6 फ्लावर में से एक क्यों बनना चाहते हो? तब मेयर कहता है सिर्फ और सिर्फ डीमन लॉर्ड को डिफीट करने के लिए, और जब तक गॉडेस ऑफ फेट मुझे उन 6 हीरोज में से एक चूज नहीं करती तब तक मैं इसी तरीके से ये प्रूव करता रहूंगा कि मैं भी उन 6 हीरोज में से एक बनने के लायक हूँ। जिस पर ये लड़की कहती है कि वेल अगर तुम्हें गॉडेस ऑफ फेट ने चूज कर लिया तो फिर तुम्हें पता कैसे चलेगा? क्या तुम्हें इसके बारे में कोई आइडिया है? तब मेयर कहता है कि मैंने सुना तो है कि जब गॉडेस ऑफ फेट उन 6 लोगों को चुनके उन्हें अपना पावर्स देती है तब उन हीरोज के बॉडी के किसी पार्ट में एक फ्लावर का साइन अपेयर होता है जिसे ब्रेव ऑफ 6 फ्लावर क्रेस्ट कहा जाता है। जिस पर ये लड़की कहती है कि वाओ तुम पावरफुल होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी हो, मगर ये कितने अफसोस की बात है कि अब तुम्हें इसी प्रिजन में रहना होगा जब तक कि गॉडेस ऑफ फेट तुम्हारे लिए कोई चमत्कार न कर दे। और हाँ, भागने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना क्योंकि इस प्रिजन के बाहर एक परिंदा भी नहीं जा सकता। तब मेयर कहता है कि वहाँ की सिक्योरिटी को तो अवार्ड देना चाहिए क्योंकि जहाँ पे एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता वहाँ पर एक मेड खुलेआम आके प्रिजनर से बिल्कुल फ्रेंड की तरह बातें कर रही है, जिसे सुनिए लड़की अब बहुत ही जोरों से हंसने लगती है। और अब ये लड़की यहाँ से जाते हुए कहती है कि मैं जा रही हूँ वरना वो लोग मुझ पे गुस्सा हो जाएंगे। तब मेयर कहता है कि ठीक है, अगर तुम प्रिंसेस से मिलो तो उससे कहना कि डेमन गॉड के अगेंस्ट में जो फाइट होगी उसमें वो भी मुझे कंपनी देने वाली है क्योंकि गॉडेस ऑफ फेट उसे भी चूज जरूर करेंगे, इसीलिए उसे कहना कि वो अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करे। जिस पर अब इस बात को सुन के इस लड़की का चेहरा देखने लायक था और फिर लड़की यहाँ से जाती हुई कहती है कि ठीक है मैं उन्हें बोल दूंगी। तब मेयर अब आराम से सोते हुए थैंक यू कहता है, जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेयर को फिर से पैट्रिस के सामने पेश किया गया था और पैट्रिस अब मेयर को पूरी लाइफ प्रिजन में बिताने की सजा सुनाते हैं। तब ये गार्ड सब मेयर को लेके एक दूसरे जेल की ओर जाने लगते हैं जहाँ पर कैदी यही भी सजा काटते काटते मर जाते हैं और ये प्रिजन जमीन से काफी नीचे था। तब ईस्ट कैप्टन अब एक किक मारते हुए मेयर को इस सेल में धकेल देते हैं और फिर ऊपर से सेल को बंद कर देते हैं, जिस पर मेयर अब यहाँ पे पहुंच के अपने आसपास देखता है और तब यहाँ पे मेयर को एक खंजर मिलता है जिसे देखते हुए मेयर कहता है कि चलो यहाँ पे कोई तो काम की चीज मिले। और अब इसी तरह से यहाँ पे रहते रहते 6 महीने बीत जाते हैं और इन 6 महीनों में मेयर बस बैठ के ऐसे टाइम पास नहीं करता है। प्रिजन में होते हुए मेयर एक एक सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से हैंडल करता है और अपने डेली रूटीन की तरह दिन में 12-12 घंटे प्रैक्टिस करता है ताकि उसकी फाइटिंग स्किल और भी ज्यादा इनहेंस हो जाए। जिस पर अब कुछ दिन और बीतने के बाद मेयर का वो हाथ भी ठीक हो जाता है जो उन लोगों ने मार के तोड़ दिया था और अब ऐसे ही बैठे बैठे मेयर अपने आप से कहता है कि मेरे ख्याल से अब मुझे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए, वैसे भी मेरे यहाँ पे आए हुए पूरे 1 साल हो चुके हैं। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लोग आराम से अपनी लाइफ में व्यस्त थे, मगर तभी अचानक से एक बहुत ही तेज वॉइस के साथ आसमान का कलर रेड होने लगता है। तब सारे लोग अब चिल्लाते हुए कहते हैं कि देखो डीमन गॉड अब फिर से अवेक हो रहा है और ये उसी के अवेक होने का शुभ संकेत है। जिस पर इधर रॉयल पैलेस में पैट्रिस प्रिंसेस से पूछते हैं कि अब आप ही बताइए कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तब प्रिंसेस इस बात का भी कोई भी जवाब नहीं देती है, जिस पर अब इधर मेयर को देखते हैं जो अपने सेल को देख रहा था और अब तभी ऊपर की ओर से कोई पावर अपने आप ही अपेयर होने लगती है और ये पावर अब एक बड़े रूप के साथ धीरे धीरे मेयर की ओर बढ़ने लगती है। जिस पर अब जैसे ही पावर मेयर के साथ टच होती है वैसे ही मेयर चिल्लाते हुए अपने बेड से गिर जाता है, जिस पर अब मेयर के हाथ में बहुत ही जोरों से पेन होने लगता है और जब मेयर उस हाथ के ऊपर से अपने दूसरे हाथ को हटाता है तो उस हाथ से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है जिसे देखकर अब मेयर को कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब थोड़ी देर के बाद ये पावर अपने आप ही गायब होते हुए मेयर के हाथ में एक साइन बना देता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो आज अब आप लोग बताइए कि सीरीज आप लोगों को कैसी लगी।